बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत आपको पढ़ा रही हूँ, जिसको मैं पाठ 5 विदुर और पाठ 6 कुंती दोनों पढ़ाऊंगी एक साथ, क्योंकि पाठ बहुत छोटे छोटे हैं। महाभारत वाली इस पुस्तक में, बाल महाभारत की इस पुस्तक में पाठ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने दो एक पाठों को एक साथ समेट दिया है, क्योंकि फिर जब 1 से 10 हो जाएंगे तो मैं सभी पाठों के प्रश्नोत्तर आपको एक साथ सिखवाऊंगी। तो आप प्रश्नों के लिए 10 के बाद ही प्रतीक्षा करिएगा। अभी मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, 10 पाठ के बाद मैं प्रश्नोत्तर शुरू कर दूंगी। तो पाठ 5 विदुर मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जिसके पहले मैंने अम्बा और भीष्म पढ़ाया था। तो विदुर की कथा मैं आपको बता दूं कि विचित्रवीर की जो दो रानियां थी, वो जिसमें अम्बा ने तो विवाह से इनकार कर दिया था, अम्बा का विवाह नहीं हो पाया, तो भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा शिखंडी बन गई तपस्या करके। लेकिन अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर से हो गया। अब विदुर का जन्म विचित्रवीर की जो रानी अम्बालिका थी, उनकी दासी के कोख से हुआ था। यानी कि पिता इनके जो थे विचित्रवीर थे, लेकिन माता इनकी दासी थी। धर्मदेव का जन्म हुआ, इनका पूर्व नाम क्या था? धर्मदेव। विदुर का असली नाम धर्मदेव था। तो विदुर का असली जो नाम था वो धर्मदेव था। वह आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे, किसी से उनको लोभ लालच नहीं था, उन्हें क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। चूंकि विदुर ज्ञाता थे, जथानामी तथा बुढ़े, धर्मदेव का नाम था, धर्म के ज्ञाता थे, तो धर्म के ज्ञाता होने के कारण इन्हें भीष्म ने इनकी योग्यता को पहचाना, और इनकी योग्यता को पहचान कर इन्होंने क्या किया कि उनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब धृतराष्ट्र राजा थे, राजा के द्वारा कभी कोई गलती हो तो मंत्री का कर्तव्य बनता है कि उसे कर्तव्य बोध कराए। जिस समय दुर्योधन ने जिद करके उनसे इस बात को कहा था कि पांडवों को वो आमंत्रण देना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात को बताया कि ये उचित नहीं है, भाइयों में बैर का कारण बन जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ करिए कि इस जुए के खेल को ही रोक दीजिए। कहते हैं ना, पुत्र मोह में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, कि वास्तव में पुत्र मोह में वो उचित है अथवा नहीं है, करना चाहिए या नहीं। तो क्रोध उन्हें बिल्कुल आता नहीं था, वो समझाना जानते थे, रास्ता ढूंढना जानते थे, और किसी का अहित नहीं जानते थे। अब
विदुर को स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण मिला था, प्रधानमंत्री का मिला था। तो उन्होंने बहुत बार निवेदन किया कि इस तरह के कामों को रोक दीजिए, प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने समझाया था कि इन्हें रोक दीजिए। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर इसे इस उचाल को रोकने का प्रयत्न किया। जब विदुर ने उन्हें समझाया तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया, बहुत कुछ समझाया कि विदुर कभी गलत नहीं कहते हैं, ऐसे खेल को करना बिल्कुल उचित नहीं है, इसे रोक दो, मत बढ़ाओ, आगे बैर बढ़ जाएगा और आपसी बैर के कारण बहुत बड़ा अहित हो सकता है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है, बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा और राज्य का नाश का कारण बन जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और समझाया कि विदुर ने मुझे बताया है और जिसके कारण ये बिल्कुल उचित नहीं है, इससे बैर भाव बढ़ेगा और इस बैर भाव के कारण आपस की वैमनस्यता बढ़ जाएगी, नुकसान होगा, वंश का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, साथ ही कहा कि विदुर जो कहता वो कभी गलत नहीं होता है, तो तुम इस बात को मान लो और अपना विचार त्याग दो। छोड़ दो ऐसे विचार को, उन्होंने बहुत समझाया कि छोड़ दो ऐसे विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन न माना। विदुर की कही बात उन्हें बुरी नहीं लगती थी, वो जानते थे कि विदुर सबका हित चाहते हैं, तो उन्होंने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु दुर्योधन नहीं मानने वाले थे, उन्होंने नहीं सुनी एक भी बात। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, वास्तविकता यही थी, वास्तविकता ये थी कि पिता अपनी संतान से इतना प्रेम करता है कि बहुत बार चाहते हुए भी चीजों को रोक नहीं पाता, ये जानते हुए भी कि इससे अहित हो सकता है, लेकिन इस उम्मीद में कि संभवतः कुछ ना हो, मान लिया जाए तो दिल रखकर जबरदस्ती ये सोचना कि इसका भला है कि नहीं है, हमें करना चाहिए कि नहीं, पुत्र मोह में आके सारी चीजें व्यक्ति भूल जाता है। धृतराष्ट्र सब कुछ जानते थे कि अहित होना है, विदुर कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, मगर उनके मन में जो पुत्र मोह था उस चीज को मानने दे ही नहीं रहा था, तो वो बेटे को दुखी भी नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि अहित भी ना हो, तो दोनों मिला करके देखा जाए तो संभव ही नहीं था। बहुत कोशिश की कि सही रास्ते पर आ जाए, परंतु वो नहीं माना। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, अपनी इस कमजोरी के कारण का अनुरोध, तो पिता जब अपने पुत्र को जरूरत से ज्यादा प्यार करता है तो उस प्यार में कभी कभी उसका अहित भी कर बैठता है और अहित की वजह से वो खुद होता है। अगर उस स्थिति में पिता उसे कड़ाई से डांट डपट कर समझा बुझा कर ये समझा दे कि तुम्हें ये नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन पुत्र मोह ऐसा कहने नहीं देता। धृतराष्ट्र को सब कुछ पता है
कि नुकसान हो जाएगा, भलाई नहीं है, मगर बेटे को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, दुर्योधन का दिल भी रखना चाहते थे। वो सोचते थे कि दुर्योधन खुद से मना कर दे, लेकिन दुर्योधन तो इस स्थिति में था नहीं कि वो खुद से मना कर देता, तो उसने बात नहीं मानी और उसे लगा कि पिता तो मान ही जाएंगे, तो वो टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा और अंततः युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए उन्होंने निमंत्रण भेज दिया। तो निमंत्रण भेज दिया, नहीं चाहते थे फिर भी भेजा, तो धृतराष्ट्र पर वश न चला तो विदुर धृतराष्ट्र के पास गए, उनको जुआ खेलने के लिए बुलाने गए और साथ ही ये भी कहा कि तुम चाहो तो ठुकरा दो ये निमंत्रण। उन्होंने ये भी समझाया युधिष्ठिर को कि तुम चाहो तो ये निमंत्रण ठुकरा सकते हो तो ठुकरा दो। युधिष्ठिर ने विदुर को की सब बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले कि चाचा जी, मैं ये सब मानता हूं पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए हैं तो मैं कैसे इनकार करूं। अब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये अनुचित है, नहीं करना चाहिए, परंतु यदि धृतराष्ट्र ने काका चाचा जी कहते थे उनको छोटे थे, तो अगर चाचा ने उन्हें निमंत्रण भेजा है तो वो अस्वीकार कैसे करते। कोई भी निमंत्रण भेजे तो निमंत्रण अस्वीकार करना अनुचित कार्य समझा जाता है, लेकिन जहां पूरे हित समाज का अहित होना हो, परिवार का हित हो, तो ऐसी जगह पर तो निमंत्रण अस्वीकार कर देने में ही भलाई है। परंतु युधिष्ठिर को ये उचित नहीं लगता है कि विदुर चलकर आए हैं तो कहे कि चाचा जी मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, काका ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं। अब उन्होंने ये बताया कि युद्ध में और खेल में यदि किसी ने एक बार बुला दिया तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, ये नियम है। यदि किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो आपको जाना ही पड़ेगा, भले आप चाहते हो अथवा ना चाहते हो। उसी तरह खेल में भी, तो खेल और युद्ध में उनका जो नियम था, राष्ट्रीय नियम था, उसमें वो जानते थे कि खेल और युद्ध में बुला देने के बाद जाना ना जाना अनुचित है, उन्हें जाना ही चाहिए। ये कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। तो ये कहा और तैयार हो गए कि क्षत्रिय कुल की मर्यादा का विनाश हो जाएगा, क्षत्रिय कुल की मर्यादा को बचा के रखना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो कुछ भी हो जाए आमंत्रण कभी भी ठुकरा नहीं सकते, वो जाएंगे तो चलेंगे। तो बहुत छोटा सा पाठ था विदुर का, ये विदुर के जन्म के बारे में हल्का सा बताया कि विचित्रवीर की रानी जो बालिका थी उनके दासी पुत्र से इनका जन्म हुआ था, बहुत ज्ञानी थे, धर्मदेव उनका नाम था, महापुरुष थे और उसी योग्यता को देखकर भीष्म ने इन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया। तो उन्होंने जब दुर्योधन चाहता है कि चूहे के लिए बुलाया जाए तो विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अंततः वो बुलाने जाते हैं तो युधिष्ठिर ने ये बात कही कि खेल और युद्ध में यदि बुलाया जाए तो न जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है, तो वो तैयार हो जाते हैं। बस इतना ही छोटा सा पाठ है, तो मैं इसी पाठ में पाठ 6 शुरू करती हूँ कुंती।
अब कुंती की कथा मैं आपको बता दूं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। अंडरलाइन कर लीजिए, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनको जो भी पहली संतान होगी वो उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ा। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें बनता है वो ये है कि प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ गया। तो कहानी ये कहती है कि यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा सूरसेन थे, जो कि कृष्ण के पितामह थे, दादा, इनके घर प्रथा नाम की कन्या का जन्म हुआ। रूप और गुण में माहिर प्रथा, दूर दूर तक इसकी कीर्ति और यश उसके गुणों के कारण फैल गई थी। लेकिन सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी और कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। सूरसेन ने उन्हें वचन दे रखा था कि यदि उनको जो भी पहली संतान होगी वो उसे दे देंगे। अप्रथा के जन्म के बाद सूरसेन ने इसीलिए प्रथा को कुंती भोज को दे दिया। तो कुंती भोज के घर आने पर, चूंकि वो सूरसेन के पुत्र थे, तो उनके यहाँ आने पर कुंती भोज ने उसे अपने नाम का अंश दिखा करके उनका नाम कुंती रख दिया। तो कुंती उनका नाम पड़ गया। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था तो प्रथा से फिर कुंती नाम पड़ गया उनका। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। अब कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा को ऐसा मानते हैं कि बहुत क्रोध स्वभाव के थे और सेवा शुश्रूषा में अगर प्रसन्न होते तो बहुत बड़े बड़े आशीर्वचन भी देके जाते थे। तो एक बार सूरसेन के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे थे और एक वर्ष तक रह गए। अब एक वर्ष तक रहने पर कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सहनशीलता, बड़े धैर्य पूर्वक, बड़ी सावधानी से, वो थोड़ा जल्दी क्रोधित हो जाते थे तो बहुत सावधानी से उनकी सेवा टहल किया, उनकी खूब सेवा की। ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हो गए, उसे उपदेश दिया और उन्होंने उसे कहा कि कुंती भोज करने, उनका कुंती को न बुला के उनके पिता के नाम से बुलाया कि कुंती भोज करने, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कहीं ये लिखा है और कहीं कहीं ये लिखा है कि कुंती ने सूर्य का स्वरूप, उसकी चमक, उसकी तेजस्विता सब कुछ देखकर बहुत प्रसन्न थी। ऋषि दुर्वासा ने की जब एक वर्ष तक सेवा की तो ऋषि दुर्वासा ने सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि कुंती से कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सूर्य के समान पुत्र, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि विवाह के पश्चात, बस उन्होंने कहा कि मुझे सूर्य के समान पुत्र। ऋषि दुर्वासा ने तथास्तु कह दिया, ठीक है ऐसा ही हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा, तो किम पदंतियां और पुराणों की कथाओं में थोड़ा बहुत ये बाल महाभारत, तो आपके अनुसार इसको करके छोटे बच्चों को, उस कक्षा सात के विद्यार्थियों को पढ़ने के हिसाब से उसका उसको लिखा गया है, तोड़ मरोड़ दिया है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने सेवा टहल से जब ऋषि प्रसन्न हुए और उपदेश दिया और बोले कुंती भोज करने,
उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुमने एक वर्ष तक मेरी बहुत सेवा की, कि तुम जिस किसी भी देवता को याद करोगी तुम्हें उसके समान पुत्र होगा। अब कुंती को ये वरदान तो उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने कहा कि उसी के समान तुम्हें पुत्र मिलेगा। अब कुंती को ये वरदान मिल गया, इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुंती को सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर बालक का जन्म दिया। अब कुंती ने भगवान सूर्य की आराधना कर ली। जैसे उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, उन्हें सूर्य के समान पुत्र प्राप्त हो गया। तो ऐसा सूर्य पुत्र जो हुआ, वो ऐसा सुंदर और तेजस्वी बालक जिनको जन्म दिया, जो जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित था। मतलब सूर्य ने अपने अंश को जब कुंती को दिया, तो साथ में उन्हें कवच और कुंडल पहने हुए उन्होंने जन्म लिया था, जन्मजात उन्हें मिला था, जिस कवच कुंडल से उन्हें जीवन भर कोई भी हरा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था। ऐसे तेजस्वी पुत्र कुंती को प्राप्त हुआ। लेकिन वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बाद में उसे कर्ण के नाम से जाना गया। अब जब कुंती को सूर्य पुत्र की प्राप्ति हुई, तो कुंती अविवाहित थी, उन्हें लोकलाज का डर आ गया, उन्हें ये लगा कि वो कैसे समाज के सामने इस पुत्र को स्वीकार करेंगे। यद्यपि वो सूर्य पुत्र थे, परंतु मर्तलोक की तरह कन्या के विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति होना नियम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अविवाहित कुंती के को जब सूर्य पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो डर गए। उन्हें लगा कि वो लोग समाज में क्या दिखाएंगे, तो उनके समझ में नहीं आया वो क्या करें। तो उन्होंने उस पुत्र को छोड़ देने में ही भलाई समझी, यही समझा, उचित समझा कि छोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने कोई और उपाय नहीं सोचा, तो एक पेटी मंगाई और बच्चे को बड़े सावधानी से उस पेटी में वस्त्र और मुलायम कपड़ों से उस पेटी को बिछाया उसमें, और बच्चे को उस पेटी में करके गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। अब बहते बहते वो बेटी कुछ दूर जाके लगी, तभी एक अधीरथ नाम का सारथी ने था, जिसने उस बेटी को दूर से देखा, उसे खोल पकड़ा लिया और खोला तो उसमें एक सुंदर सा बालक निकला। और अधीरथ निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी पहले से, तो उसे लगा कि ये तो मांगा वरदान मिल गया। वो उसे लेके घर आता है, पत्नी का नाम राधा रहता, अधीरथ और राधा, और फिर उन्होंने उस सूर्य पुत्र को प्राप्त पाल लिया। अब एक सारथी के घर सूर्य पुत्र का लालन पालन होने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंतीभोज ने स्वयंवर रचा, उसमें विवाह करने के लिए इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए, वो शरीक हुए, स्वयंवर में आए। कुंती ने उन्हीं को अपना वर चुना, उनके गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती के साथ फिर विवाह हो गया और कुंती सहित वो हस्तिनापुर चले आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी।
उन दिनों राजवंशों में एक से राजाओं में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी कि वो एक से अधिक विवाह भी करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने अब एक विवाह तो कुंती से करके रीति रिवाज के अनुसार हस्तिनापुर आ गए थे, लेकिन राजाओं में बहुविवाही प्रथा थी, बहुत सारे विवाह वो करते थे। तो भीष्म ने उन्हें समझाया, मद्राज की कन्या से विवाह करने के लिए प्रेरित किया कि मद्राज की कन्या से भी विवाह कर लो। तो उस समय ये कोई गलत काम नहीं समझा जाता था, वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने भीष्म की सलाह मांग करके मद्राज की कन्या माद्री से विवाह कर लिया। अब देखिए पांडु की दो पत्नियां हो गई, दो पत्नियां थी कुंती, कुंती घोष से और मद्राज से माद्री। तो कुंती कुंती घोष की पुत्री थी और मद्राज की पुत्री थी माद्री। अब दोनों से पांडु का विवाह हो गया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को समझ कर उन्हें मार गिराया। उनको इस बात का पता नहीं था कि ऋषि वे ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि ने शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ, साथ ही वह अपने भूल के लिए खिन्न होकर नगर लौटे। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अब चूंकि महाराज पांडु ने के हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई थी, वो भूल थी कि एक ऋषि दंपत्ति जंगल में विहार कर रहे थे और अचानक उन्होंने हिरण समझ लिया उसे और हिरण समझ कर उसे मार दिया। तो मरते मराते ऋषि दंपति जैसे ही मृतों को प्राप्त होने वाले थे तो उन्होंने श्राप दे दिया राजा पांडु कि तुम भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। अब उनके मन में मन बहुत खिन्न हो गया। वो वापस हस्तिनापुर आए तो अपने द्वारा हुई भूल को उन्होंने भीष्म और विदुर इत्यादि से बताया, बहुत दुखी हुए और प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने तो साथ में कुंती और माद्री को भी लेकर गए और वहां जाकर के उन्होंने वही वास कर लिया, रहने लगे। और विदुर का को राज्यभार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन चले आए और वहीं रहकर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप बस वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, ऋषि ने श्राप दिया था कि आपको संतान नहीं होगी। विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं से अनुग्रह कर पांच पांडवों को जन्म दिया। तो उन्होंने शाप तो प्राप्त हो चुका था, तो कुंती को तो सूर्य के का वरदान मिला था। तो उन्होंने देवताओं का, दोनों लोगों ने देवताओं की बहुत आराधना की और उसके बाद उन्हें पांच पुत्र प्राप्त हुए। तीन पुत्र कुंती को हुए और दो पुत्र माद्री को हुए। तो पांचों पांडवों का जन्म और तपस्वी के समान रूप जीवन व्यतीत करने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों के और बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में ऐसे ही रहे। वसंत ऋतु थी और महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के उद्गार में सुषमा को देख रहे थे।
ऋषि का सांप का असर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो माद्री को दुख का पारावार न रहा, माद्री भी पांडु के साथ ही सती हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों को शोक की सीमा न रही, पर वन में ही रहकर उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ 16 वर्ष तक पांचों पुत्रों को लेकर कुंती ने उन्हें पाला पोषा बड़ा किया। जब युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की हो गई तो ऋषियों ने उन्हें लेकर हस्तिनापुर पहुंचाया और पांडु की मृत्यु का समाचार दिया। उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु शोक करती हुई सत्यवती अपने विधवा पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही, बाद में स्वर्ग से धार गई। और इस तरह से हस्तिनापुर आकर के ऋषि दंपतियों के पहुंचाने पर हस्तिनापुर आकर के उन्होंने राजकाज संभाला और वहां रहने लगी। तो कुंती के जीवन की ये छोटी सी घटना यहाँ बताई गई है कि कैसे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई और उसके बाद कैसे उनका विवाह राजा पांडु से हुआ, और फिर उसके बाद कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, राजा पांडु के मरने के बाद कैसे वो पांचों पुत्रों को लेकर ऋषियों के साथ हस्तिनापुर आई। तो यहाँ तक की कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं अगले वीडियो में पाठ 7 पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।